सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ जय तेव दुखी शाहूकार का उदार करना दोहरा सुख सागर नागर गुरु जगत जागर रूप सतगुर सच्चे पातशाह सुखां दे सागर है सारे गुणों विच नागर मन बड़े प्रवीण है माहर है जागत उजागर रूप उन्हों का स्वरूप जरा संसार से उजागर मैंने प्रसिद्ध है प्रगट है बंदों पदर बिंदु को उधरों उचरों कथा अनूप उन्होंने चरणों से नमस्कार करता हाँ अनूप सुंदर कथा का उच्चारण करता हाँ। श्री बाला सुंदर वाच चौपे श्री अंगद सुन कथा सुहानी श्री गुरु अंगद देव महाराज भाई बाला साहब कह रहे ओ सोहनी कथा सुनिए गमन की नागे गुण खाने गुणा दी खान सतगुरों ने अगे जाना किता होते सत कराए स्थाना सत करा नामदायक नगर सी तहां पूछे कृपा नदाना कृपा दे खजाने उत्थे पहुँच गए गमने बाहर बाजार मजारा फिर पुनः बाजार विच गए बैठ गए घाट अदारा एक दुकान दे सामने श्रेष्ठ सतगुरु जी बैठ गए उतोत नाड शाहक भारी उत्थे एक बड़ा भारी शाहूकार सी कामे जिह के बहुत अगारी जिसने अपने अगे बहुत नौकर रखे हुए सी जग के तंद अदक को सो कर रही वो संसार दे बहुत विहार कर रहा सी हृदय नाम हर कदे न धरई परमेश्वर दा नाम कदे भी हृदय च नहीं धारदा सी करत बणज सब दे सुवतावत धंधे करदा सारा दिन बतीत करदा सी पची भयो कवह न मिसरावत उन्हां धंधियां च बड़ा भजया रहिंदा सी उन्हां नूं कदे भुलदा नहीं सी उन्हां च खचत रहिंदा सी दोहरा घटी दोए दिन जब रहा मरदाने दिग लाए जदों दो घड़ियां दिन रह गया मरदाने ने उन्हूं चंगी तरह नेत्र ला के देखिया कहो सुखी वो शाह हो सुख सो दे उस बताए कह लगा शाहूकार बड़ा सुखी है सुख न दिन बतीत कर रहा है चौपी कब के तुम बैठे स्थाई जदों कहते आप जी इस जगह बैठे हो दृष्ट ने इसकी हम देश देश आई इसने साडे वल देखिया भी नहीं है कारण दान की मन में ना ही दान करन दी इहदे मन च कोई भी इच्छा नहीं है बेमुख संतन ते एह आही ये संत लोकां तों बेमुख प्रतीत हो रहा है कवि न सेव किसू की करी कदे किसी दी सेवा नहीं करदा है भाव भगत गोरे दे ना धरई प्रेमा भगती नूं हिरदे विच नहीं धारदा है सुखी रहत उल्टी इह जानी कदे इसने किसे दी सेवा नहीं कीती परमेश्वर दे नाम नूं हिरदे च नहीं धारदा है उल्टा ही बड़ा भारी सुखी रह रहा जानिया जांदा है सुन के अस बोले गुण खाने गुणा दी खान सुन के ऐसा बोले क्यों भई रीत कलह की दुख को दे पापां दी जड़ी रीति है ये सदा इंसान नूं दुख दिंदी है जिन्हें ज्ञान सुखिया है तेई जिन्हों ज्ञान है वही पुरख सुखी हुंदा है बिन सूरज कब नह दिन आही बिना सूर्य तो जिस प्रकार दिन नहीं हुंदा है हीन ज्ञान त्यों सुख किसे नाही जड़ा ज्ञान तो हीन रहत है उन्हों कदे सुख प्राप्त नहीं हुंदा है
जे कर तेरा और संदेह जे तेरे मन संदेह शंका है हृदय विच चाहे बुलाए बूझ इन किन लेहू चाहू कन बुला के ते इस नू पुछ लेना कर। सुन कर इस प्रकार मरदाने इस तरह सुन के श्री मरदाना जी ने चाहो संग तब वचन बखाने शाहूकार दे नाल वचन कहे सुख विसाल में तुमको जोवा तैन बड़े सुख दे सहत जोवा देखिया है कौन पुन किए जाते होवा केड़ा पुन कीता जी तो तेनु सुख होया है जाते निस दिन जान तना ही जिस करके तू दिन रात जानदा नहीं मगन रहूं अपने सुख माहे अपने सुख दे विच मस्त रहिंदा है लख दरवेश वेस मन माहे चाहू करन मदाने नू साधु दे पेश देख के बोलो शाह अधिक दुख जाही कहन लगा कि मैनू बड़ा भारी दुख है सर्व जगत में मोहे समान सारे संसार मेरे समान और न को दुखी महान मेरे जिना होर कोई दुखी ने गुहज बहुत सो कहा न जाई ये दुख बड़ा गोपत्या क्या नहीं जाता कैसे तुम टग दो बताई तेरे नाल किवें कह के दसा कै मरदाना संत महान ने कहन लगा मेरे ना बड़े भारी संत है इन्हें आगे कहो है दुख हन इन्हें आगे कह तेरा दुख नाश हो जाएगा निकट बैठ गुर शाह लाई सतगुरों के कोल बह के शाहूकार ने कहा सुनो संता तुम सब सुखदाई कहंदे हे संत जी सुनो तुसी सारी तरह सुखी हो अंगना जो मेरा कर्म आही और मेरे घर विच जेड़ी अंगना इस्त्री है तुसी तां सुखां दे दाते हैं मेरे घर जेड़ी इस्त्री है अधिक स्नेह संग ममता ही मेरा उहदे नूं बहुत प्रेम सी रात दिवस ते भोग विलासा दिन रात मैं उहदे नूं विषय विकार भोगदा सी करत रहत नह छोडो पासा सदा उहदे च गुलतान रहिंदा सी कदी उहदा पासा साथ नहीं सी छड्डदा एक समय होयो तेह रोगा एक समय उहनूं कोई बीमारी हो गई पी दुर्वर मृत ते पास होगा वो बहुत दुर्वर कमजोर हो गई और मौत दा ध्यान करके मैं सोग सोगा बड़ा दुखी होया पे मर ना जावे आदक दान दीनो तेह काला उस समय मैं उहदे निमित बड़ा दान दिता किनू बहुत लाभ साला पे बड़ा भारी दुखी हो के बरलाप करन लग पिया रोन लग गया हुजूर नूं करदे बैठियो तेह पासा उहदे कोल बैठा रो रहा सी कहत पई तीए देन दलासा मैनू धीरे देन लई इस्त्री कहन लगी इत मेरे क्यों रोदन ठानू मेरे वास्ते क्यों तू रोना कर रहा है निज को बड़ धनवान पछानू अपने आप नू तू जान लै मैं बड़ा धनी हाँ मैं मर हूं कर ब्याह बहोरी मैं मर गई तू होर ब्याह कर लेंगा भोगों गनोरी कोई होर इस्त्री लिया के उहदे नाल तू विकार भोगेगा बिलस विलासन वै अहलादू विषय विलासन तू बड़ा हलात आनंद मानेगा मुझे विसारे करे ना जादू मैनू भुला देगा कदी चेते नहीं करेगा मैं पख सुनिए फिरे मोरी मैं कहन लगा है प्यारी सुनो तुझ बिन मोहे न पावे औरी ते तू मैनू मैनू होर कोई चंगी नहीं लगती है तू जीवे ते करे करो बलासा तू जीदी रहेंगी तेरे न सुख बलास करांगा
ना तो मैं तजों जीन की आसा न मैं जीन की आस ही त्याग देंगा। प्राण समान वह गो प्यारी तू प्राणा दे बराबर मैनू प्यारी है। तुझ तो मैन कस बिल सौ बिब नारी तेरे न बिब मैंने दूजी नू किस तरह बिल सौ प्यार कर सकदा हाँ। ओह कंता मैं जियो न साची इस तरीके के पति जे मैं जीव ये गल सची जाना मर जावों यह कह सब काची। जदों मैं मर जावांगी तां तुहाडी जिहड़ी कहणी सची होएगी। हसके मोहे सुनावत प्रीति ऐसा गया कि मैनू प्रेम दियां गल्लां सुणाउंदा हां हिरदे वेखे ठाणत विप्रीति हिरदे तों कोई होर गल धारी होई है। धीए की तर्क सुनी मैं जब ही जदों इसत्री दी इस तरह दी हांजी तर्क वाली गल दलील वाली गल सुनी सहे ना जाए बहु दुख पाता भी फिर मैं सहार ना सकया मन च बड़ा दुखी होया। लेकर तीक्षण छुरी चलाई दे के तीखी छुरी चलाती लिंग काट निज दीन बगाई ते अपनी जो इंद्री सी कट के सुट दिती अब तो आए के नहीं प्रतीति कहन लगा हुण तैनू प्रतीत नहीं आई मन त नहीं साच मम प्रीति मेरी प्रीति नू सचा नहीं मंदी शीशन कटे ते पीर वलासा इंद्री कटन ते बड़ा दुख होया मैं रहो जीव ते हकाला फिर समय न राजी होया जींदा रहा उस समय कितक देह बीते ते नारी कुछ दिन बीतन तो इसत्री भई रोग गयो गयो दुख भारी तंदुरुस्त हो गई उदा भारी दुख चले गया जल वल गए अन्न सरवंगा उदे जड़े अंग सी सारी तरह हाँ जी साड़ वल गए ब्यापो तेह तन बहुत तनंगा उदे सिर च बड़ा भारी बकार जड़ा सी व्याप गया कितक दिवस मोहे संगे लाई कुछ दिनों बाद मैनू कहन लगी बिन मैथन ते रह न जाए बिना बकार तू मैं तुरया नहीं जाता हूँ लज्जत होए कछ न बताऊ मैं शर्मिंदा कुछ नहीं कह सकता अपन करो लाखो पछतावू अपने किते मन च बड़ा पछता रहा हाँ अब पर पुरखन सू विचरावत हूँ पराय पुरखन बेविचार पर पुरखन सो बेविचारत पराय पुरखन बेविचार कर दी है जे चाहे ते पास हकार जीन चाहती उन्हों कोल बुला लेंदी है पर हर लाज सर प्रकार सारी तरह की लज्जा नू छड करके बहुत नरन सो करत विहारा बहुत पुरशां नू बेविचार कर दी है। अस कुकर्म ने नित देखो ऐसा कुकर्म अखां ना रोज देख रहा हाँ मोमन हो तो दागो दब शेखो मेरा मन बहुत सड़दा दुखी हुंदा है चिंता तर दुख मैं दिन रहना दिन रात दुख विच चिंता विच दुखी रहिंदा हाँ मौसम दुखी अगर को है ना मेरे बराबर होर कोई दुखी नहीं हिरदे विचार तवै ना उपाई हिरदे च विचार दा अपा हुंदा नहीं सब लोगों ते रहो ले जाई सारे लोगों तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। सुन के श्री प्रभु बैन लाए सुन के प्रभु ने बचन कहे पूर्व जन्म कर्म कर आए पिछले जन्म जेड़े कर्म किते हुए सामने आ गए हैं दोहरा तिनको दुख सुख भोग जो भी जय सुख आए उन्हां करके दुख सुख भोगदा जिहड़ा बीजिया वो इंसान खांदा है पुन करे सुख होत है कल मुल ते दुख पाए जे तां पुन करे सुख हुंदा है कल मुल पापों तों दुख पाउंदा है। चौपाई ब्रह्मादक ते मशक जे आही ब्रह्मादक ते मच्छर तों लैके भोगया कर्म कीन जस जाही
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਸ ਕਸ ਕਰਮ ਮੁਮਕਿਨੂ, ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ ਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟ ਨੇ ਚਿੰਨੂ, ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮਾਨਵ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਸਦੀਵ ਸੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੀ ਨਸ਼ਵਰ ਔਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਮਤਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਅੰਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਕ ਸੋਗ ਦੋ ਨਹਿ ਲਹਿ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਕ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਮਾਨਵ ਜੇ ਹੈ ਅਗਿਆ ਜਗਿਆਸੀ, ਪੁਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਜਾਣਤ ਇਸ ਵਿਧ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਤ ਭਲੀ ਕਰਤ ਸਵਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਆਣ ਜਬ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲ ਹੋਇਆ ਲਖ ਹੈ ਸੋ ਅਸ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਕੀਏ ਅਤੇ ਜਾਏ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਾਏ, ਇਉਂ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਰੋਗੀ ਢਿੱਗ ਭੇਖਕ ਆਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਖਕ ਵੈਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਔਸ਼ਧੀ ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖਵਾਵੈ, ਉਹ ਕਟੂਵੇਂ ਨੇ ਕੌੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਭੁੱਖ ਨਾ ਖਾ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਰੋਗ ਸਕਲ ਮਮ ਹਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਭੋਗਿਆ ਨਿਜ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਗਤ ਰਤੇ ਹੈ ਸੋ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਬੁਲਾਈ, ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਪੁੰਨ ਬੁਲਾਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਵਲੇ ਸਭ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਓ ਹੈ ਜੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਹੇ ਭੋਗੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਦ ਮਿਟਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖ ਮੀਤ ਹਮਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋ ਨੀਕੀ ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਜਗ ਮੈਂ ਜੇ ਨਰ ਅਗਿਆਨੀ, ਪੁਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵਾ ਮਮਤਾ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੇਦ ਪਾਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ, ਭੋਗਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਕਵੀ, ਵੀ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਸੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਗਿਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਦਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਸਲੋਕ ਵਖਾਨ ਆਪਾਂ ਮਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਹਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਆਇਆ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਇਆ ਕਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ।
परशुराम रोया कराया, परशुराम रोंदा होया अपने घर नूं आ गया। अजस रोया भिख्या खाए, जिहड़ा अज राजा सी दान दित्ती जदों भिख्या खाणी पई रोणा पिया। ऐसी दरगाह मिला सजाए, ऐसी उहनूं दरगाह दे विच सजा मिली। रोवै राम निकाला पाया, जदों रामचंद्र वनवास गए देस निकाला मिलिया उही रोए। सीता लखमण विछड़ गया, सीता ते लक्ष्मण विछड़ गए सी, रोवै दस रंग लंक गए। जड़ा रावण सी अपनी लंका वा के रोया, जिन सीता दी डोरू वाए, जड़ा सीता नू डोरू वजा के लियाया सी। रोवै पांडव पै मजूर, जदों पांडवों नू मजदूरी करनी पई उही रोए। जिन कै स्वामी रहत हजूर, जिने स्वामी कृष्ण जी कोल रहिंदे सी, रोवै जिन मेजा खोए गया। जड़ा जिन मेजा सी अपने जदों माड़े रस्ते पया ते ओह वी रोया। एक ही कारण पापी पया, एक ही पाप दे कारण ओ गुनाह गुनाहगार बन गया सी। रोवै शेख मसायक पीर, जड़े शेख सी मसायक बड़ियां मुशक्कतां करन वाले पीर, ओह वी रोए। अंतकाल मतला गए पीड़ के, अंत समय सानू भी पीड़ा दुख ना झलना पाए, वो भी वरलाप कर रहा है। रोव है राजे कन पड़ाए, ओले राजे सी कन पड़ा के रोए। किथे तां लोकां नूं दान दिंदे, किथे मंग के खाना पिया। घर घर मंगे भिख्या जाए, घर घर जाके भिख्या मंग रहे, लोकां दीआं तरकां चल रहे। रोवै किरपन संचय धन जाए, जिहड़े किरपन सूमिया धन इकट्ठा करदे आ, धन चले जाए वी रोंदे। पंडित रोवै ज्ञान गुआए, जिहड़े पंडित लोक आ जदों उहनां दी विद्या निष्फल चले जांदी है, सभा च सही उत्तर नहीं दे सकदे, वी रोंदे। बाली रोवै नाहीं पतार, बाली जिहड़ी स्त्री उहदा पति ना होवे वी रोंदी है। नानक दुखिया सब संसार, पाशाह दे सारा संसार किसी न किसी दुख करके दुखी है। मन्ने ना उह सोई जिण जाए, जिहड़ा नाम नूं मंदा उही बाजी जिण जित के जांदा है। और ही कर्म ना लेखा लाए, होर कीते कर्म लेखे च नहीं पैंदे हन। दोहरा मरदाने सुन सरोण मैं, कहो बचन इह पाए। मरदाना जी ने सुन के सतगुरु नूं कहण लगा कि हां जी, इहदा जिहड़ा भाव अर्थ वी सानूं सुणा दिओ। सर्व शब्द को अर्थ अब दूजा मैं बताए, सारे शब्द अर्थ सानूं दस देना करो। इस प्रकार जदों सुन के कहा कि सानूं इहदा अर्थ वी समझाओ। श्री नानक तब अर्थ बखाने, पातशाह ने अर्थ कहे, सर्वरतंत बधाए महाने। सारा प्रसंग बहुत बधा के कहा, सत असमेध करत है जो, जड़ा सौ असमेध या करता है। होत स्वर्ग में अधिपति सो, उस स्वर्ग का अधिपति राजा इंद्र बन जाता है। सची होत है महलाता की, सची उदी इस्त्री बन जाती है। रत न पटंतर पूजै जा की, हो जड़ी इस्त्री रती जी, रत्न पटंतर पूजा जा की। इंद्र की इस्त्री सची बड़ी सुंदर है, उहदे बराबर रत्ती जड़ी काम की इस्त्री वह भी सुंदर नहीं, वह भी बराबरी नहीं कर सकती। रत्ती न पटंतर पूजा तां की, जड़ी रत्ती कामदेव की इस्त्री है वह भी उहदे बराबर पटंतर नहीं पहुँच सकती है, वो भी मुकाबला नहीं कर सकती है। चंद बदन अरबिंद वलोचन, उसका चंद्रमा वांग हाँ जी मूँह है, ते नेत्र जड़े कबल वर्गे हैं। अरबिंद कबल बलोचन नेत्र अरबिंद कबल, चितवन बाण काम मदमोचन हाँ जी, उहदी जड़ी निगाह है वो कामदेव दे बाणा वांगू हंकार नूं मद हंकार नूं मोचन कटदी है।
अपर पसरा सुंदर सारी और जिन्हें भी सुंदर पछरा हैं सर्व रह आए संसारी वो सारिया उदे अंदर रहिंदियां हैं उदे हुक्म अंदर रहिंदियां हैं आए समय आग्या विच तीन एक समय पिखीर एक नारी उस इंद्र ने एक वीरी गौतम दी इसत्री नूं देखिया रीखी गौतम तन की सुधबुध सगल वसारी शरीर की सारी सुधबुध भुला दिती द्वारा दिवत दीप दुत जा बप पिखी बस पयो पतंग और रीखी दी इसत्री दे शरीर दी दुत सुंदरता नूं देख के दीप प्रकाश दीवे दे प्रकाश वांग बप पिखी जो शरीर में देखा बस पतंग बस जरा इंद्र से पतंगे बन गया जिमें दीवे की लाट से पतंग आ जाता फिर सड़ता भी है काम सिंह अर्जन करा धीरज पयो को रंग फिर काम रूपी शेर गजन लगा तो उदा धीरज जड़ा सी जाता रहा। चौपाई परम स्वरूप हलिया नारी वो हलिया जड़ी महान सुंदर सी मन निपुन द्रोहन दुखारी उस स्त्री स्वरूप उदय स्वरूप की रचना जड़े से निपुणता बड़ी सियाणप न ब्रह्मा ने बड़ी चतरता दिखाई सी जे लोग सुर नर परमाए जी देख के देवते पुरश परम जिंदे से जोगन जोग हृदय विसराए जोगियां दे हिरदे जो जोग भुल जांदा सी मगवा बजो नेह तेह डोरी मगवा इंद्र मोह दी डोर च बज गया कियो चहत रत गौतम चोरी चाहुंदा सी गौतम दी स्त्री ने चोरी प्रीति करनी रहो देख अवसर ने पावे देखदा रहिंदा सी मौका नहीं सी पाउंदा चित अपाए मिलिया क्यों जावे चित अपा सोचता ही किमें मिलया जाए मिल म्यंक संघात विचारी म्यंक चंद्रम मिल के घात दा सोचया विचारिया गमनी अर्ध रात्र छल धारी अद्धी रात छल धार के गया अरुण चूड़ को तन शशि पयो शशि जरा चंद्रम अरुण चूड़ कुकड़ का शरीर धार लिया जा इसमें शब्द ने जी कहो नेड़े जाके अद्धी रात शब्द किया बांग दिती गौतम लिखी पई अब प्राता गौतम ने जाने पर हूँ सवेरा हो गया भजन कर चला अद राता अद्धी रात स्नान कर गोदावरी चले गया सुना सीर लख सुन संका ते वो जड़ा सुना सीर इंद्र सी उसने जी उदा जड़ा घर से सुन्ना खाली देखिया संसे तो रहत होके मिलियो अहल्या को परंका फिर अहल्या नू जाके ओहो हांजी मिलिया हर खिवादक केल कर लीनू खुश हो के उदे न बकार भोगे बदन न घुमोचन किनू बकार दे नशे नू दूर कीता गौतम को सुध सुर सरी दिनी उथे गदावरी जले गया थे ओनू आवाज आई हटो तां तेरे सुबह किन्नी जदों घर आया तो बड़ा गुस्सा किया सत मन वलो क्यों जावे ही जदों इंद्र नू उसने देखिया कोपक ऋषि श्राप देता भी क्रोध हो के ऋषि ने श्राप दिता एक भाग घर नेठा आयो एक पग वास्ते इत्थे आया है नहीं रेखन ते नैक डरायो ऋषियों तो थोड़ा नहीं डरिया नैक थोड़ा नहीं डरिया पग संसुर होवे तन तेरे तेरे सिरे हजारां पगां बन जाणगे पैओ सराप ने जावे डेरे हुण सराप हो गया मुड़ के डेरे नहीं जांदा अत कुरूप ते बना शरीरा उहदा शरीर बड़ा कुरूप हो गया जस आग तस फल पाया धीरा जिहो जिहा पाप कीता उहो जिहा हांजी पाप का फल पा के धीरे रहत हो गया स्वर्ग आदि किया जी धानी स्वर्ग आदि राजधन जा के अनि स्वर्ण की जुत सैनानी देवत्या की फौज समेत
वो जी पदवी सी उन्हों त्याग दिता सेनानी सेनापति की पदवी गमनो जह जल तो वसाला जिथे बहुत पानी से चले गया कंबल नाल में दौर तत्काला वो कंबल की नाली में छेती लुक गया दौरा लजत है रोयो तवै पग संसरदन पाए हूँ शर्मिंदा बहुत रोया शरीर से हजार पग हो गए परशुराम की अव कथा दे सो तुम्हें सुनाए हूँ परशुराम की कथा भी तेन सुना देंदे हैं चौबे ससुर बहु भूत एक पयो ससुर बहु एक राजा से सर्व दिगै विज दिगै दिग विजय जिहे छेत कहो सारी धरती दिग विजय सारी धरती भाव जित लई सारियां देशा रिख जम दन जम दगन आश्रम एकाला रिहि जम जरा जमुनी जम दगनी ऋषि दे आश्रम च एक समय गया सिवर कीन संघ सैन वसाला सारी बड़ी सेना ने उदे जाके डेरा किया रिख कीने निरप की पहुनाई रिखी ने राजे की प्रौहणचारी की काम तेन तबलीन मंगाई काम तेन गुगन उसले मंगा लिया जो कुछ चाह सो तेहते पावा जो चाहता सी तो पा लिया रुचि अनुसार असन सब खावा रुचि ने सारे नसन भोजन खा लिया तेन प्रभाव देखते खाला वो गऊ का प्रभाव समय देख के लेन कामना कीन पवाला राजे ने उन्हू गऊ नू लैण दी कामना की पवाल राजे ने लाखो दृष्ट ते शेन मनराई उदी भैड़ी दृष्टि देख के ऋषि ने पठन स्वर्ग तेन उड़ाई तेनू स्वर्ग जान ले उन्हों उड़ा दिता निरपत को मत मन में इं ठन राजे ने असी भैड़ी मत धारी मन वर के कीने हथ प्राणा श्रेष्ठ मुनि दे प्राण नास करते पत को देख रेणका नारी पति मरुन देख के रेणका उदी स्त्री बहुत बरलाप तू च पुकारी उची उची बहुत बरलाप कर रही रो रही है सबत तिहत्थड़ हन कर दे उसने अपने सिर ते इक्की वार दहाथड़ियां मारियां पिटी सतगुर सिमर बुलायो ते ही फिर उसने अपने पुत्र नूं बुला लिया तप हित अपर जो थान सदावा वो तपस्या लई होर जा गया सी तत्क्षण मात निकट चलिया वा छेती माता को चल के नेड़े आ गया पितु मरण देख उकलायो पिता नूं मरिया देख के बहुत रोया होए क्रोध में बचन लायो क्रोध आतर हो के बचन कहा सुनो मात में इक्की सवार हे माता में इक्की बेरी पीरा की तन हाथ पर हार है इक्की बार हाथ मार के अपने सिर नूं जड़ा तां दुखी किया है सत पछाण अवै प्रण मोरा हुण मेरे पर नूं सच्चा जानी छत्री छोड़ो ने कि तठौरा छत्री किसी जगह नहीं छड़ांगा इक्की बार नछत्री धरनी इक्की बार धरती नूं धरनी धरती नूं नछत्री खत्री रियत करता हथ संग्राम करूं बल करन ऐसा बल दे नाल युद्ध करांगा हस कह कर संभार को ठारा ऐसा कह के अपने कुहाड़े नूं संभाल लिया मनो वीर रस तन को उतारा इउं जाणू वीर रस ने शरीर धार लिया अस्त्र शस्त्र सब ही कर लै के अस्त्र शस्त्र सारे हथों च लै के अर्जुन के तब सन्मुख बह के वो जरा ससुर बहू का ना अर्जुन सी उहदे सामने हो के दारण बहु संग्राम मचावा बड़ा दारण भयंकर संग्राम युद्ध मचाया महो सार सो सार बुझावा महोन लोहे न लोहा खड़किया हाथ कुठार संभार सा जोरा हथ कुहाड़ा संभाल के जोरन क्रोध युद्ध अब अवरुद्ध कोरा क्रोध दे नाल कुहाड़ा फड़ के बड़ा भयानक युद्ध किया उहदे युद्ध में जुट गया उहदे विरोध में चौपे भुज हजार ते काटो उतारो उहदियां हजारां भुजां कट दित्तियां गिरियो मृतक होया भूम मझारी वह मर के धरती दे डिग पिया सर्व धराम ते चिन रामू सारी धरती नूं उस छमे हांजी परशुराम ने छत्री को न छोड़ो नम छत्री का नाम नाम निशाना छड़िया बीन बीन तिन कुल कर हर ने चुन चुन के उसकी कुल का नाश किया दई दे जिन को सगरी धरनी ब्राह्मण ने सारी धरती देती गमने आप बिपन तप कारण आप बिपन जंगल में तप कारण चले गया रह बैठ कर दुष्ट उदारण
दुष्टां नूं नाश करके बह गया। छत्री वधे बहुत जब कोटी, जदों करोड़ां छत्री फिर वधदा, धरा दे जनते लीन कसोटी। उन्हें ब्राह्मणों तो धरती कसोटी खो ली, कौन बिपन ते युद्ध मचावा। बिपन जंगल तो आग फिर युद्ध मचाया, छत्री एक रहने पावा, एक छत्री रहना न पाया। जी तरह बिपरन को दिन जित के धरती फिर ब्राह्मण बिपरन ब्राह्मण देती। छत्री वधे छीन पुन लेनी, खतरी बाद उन्हें फिर खो ली। परसरम मारे तवे आई, परसरम आग मार देवे, धरनी सगल तेजन पुन पाई। धरती मुड़ के फिर ब्राह्मण पा ली। इस वेद 21 बार संघारे, इसने 21 बारी उन्हों का नाश किया। देजन को बारंग बारे बार बार ब्राह्मणों धरती दिती। राघव संघ भेड़े हो एक कला। एक समय राघव रामचंद्र नाई का भेड़ हो गया, हरे हो गए उत्ते ओज वसाला। इहदा जिहड़ा ओज बल सी बहुत वड्डा, वह नाश हो गया। लाजे तुहे सदन में आयो, शर्मिंदा घर आ गया। सो रोवत बल सगल हरायो, फिर सारा बल हारन करके रो पिया। जाचा देज देख त जग माही, और फिर ब्राह्मण संसार विच मंगदिया देख के रोए। बसूर सुख ते ना पी की वीरी धरती दिती। बसूर तो बड़ा झूरिया, दुखी होया, रोया। अज निरप इंदमती ब्रह भारी, आज राजे की इसती जड़ी बदर्व देखते। राजे की भैन सी, रोवत पिख्या खाया हारी। जदों पिख्या का हार खादा रोया। जग में ज्ञान दृष्ट सुख होई, संसार ते ज्ञान की दृष्ट सुख हुंदा है। ना तर दुखी रहत सब कोई नहीं, तो सारे दुखी रहिंदे हन। क्यों जड़ा आज राजा सी वो तवेले सी, कोई साधु पिख्या ले आया। कहिंदा संत जी किवें आया कि पिख्या ली? कहिंदा मिरपा तो हुण आ ही लिद जा के उहदी झोली च पाती। वो कहिंदे तेरा दान बधे, किसी ना बुरा कदी करना नहीं चाहिदा, पता नहीं समा किहो जिहा बण जाए। एक समय शिकार गया, पानी वाले पिछे रह प्यास ना दुखी होया। वो संत दे डेरे गया, कहिंदा संत जी पानी पिलाओ। उत्थे ओह लिद दा बड़ा ढेर, कहिंदे इह कित्थों आ गया? कहिंदे तेरा दिता दान फलीभूत हो रहा। कहिंदा हुण किवें? कहिंदे खाणा पऊ। कहिंदे किवें बचा भी हो सकदा? कहिंदे निंदिया करा। जदों अपनी निंदिया कराई, एक बुक रह गया, बाकी निंदा खा गया। कहिंदे कहिंदे दा हत्थीं ता खाणा पऊ। कहिंदे हुण किवें? कहिंदे रोटी बाद चूरन मूंग खा लिया कर, जिले खांदा हुण रोंदा है। इस वास्ते फिकी तै कर्म भोगना पैंदा है। दोहरा सीता लक्ष्मण बिछड़ने और रोए तब श्री राम, जो सीता दे लक्ष्मण बिछड़ गए। हाँ जी, तो उस वेले फिर रामचंद्र भी रोए। बिशन आन अवतार पा जपत जगत जिहे नाम। कहिंदे जिहड़े रामचंद्र विष्णु दे अवतार सी, संसार सारा संसार उन्हां नाम जपदा, उन्हां नूं भी विछोड़े च रोना पिया। चौपे दसर तीन लोग जां कोईड़ा, रावण जी दे तीन लोग बस विच सी। हांजी, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। हांजी, चंद सूरज देवते उहदी रसोई बनाउंदे सी, अग्नि देवता कहिंदे कपड़े धोंदा सी। हांजी, उस नूं वी रोना पिया। बंद साल में काल सो जाके, जिसने कहिंदे काल नूं हांजी अपने मंजे दे पावे ना बनिया होया सी। बंद साल बन के रख्या होया सी। कंचन देश बहुत ग्रेनारी, सोने दी लंका सी, जिदे घर च बहुत राणियां सियां। तीन चिराए लिए जन कुमारी, उसने जन कुमारी नूं हांजी अपहरण करके चुरा के लै गया। रामचंद तब ते हुको मारा, श्री रामचंद्र जी ने उन्हों मारिया। गिरियो रोए कह युद्ध मजारा, रोंदा हो युद्ध डिग पिया। कंचन पुर को पात्या सरावण, जड़ा सोने की लंका का पति सी ऐसा रावण। रंचक मिलन मुख हित पावन, रंचक थोड़ा मतर मूँह च पाउण लई ना मिलिया। बलि सम्राट सकल प्रकारा, जड़ा सारी तरह बलि सी, उपजे इस जग बीच अपारा। इस तरह संसार इस तरह के बेअंत पैदा होए, बिना ज्ञान दुख पाए कनेरा, बिना ज्ञान तो घने दुख पाए। कर गए कुछ न लागी बेरा, संसार तो
कूच करके चले गए। बेरा मैंने थोड़ी भी देरी नहीं लगी है। इत श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ ग्रंथे उत्तरार्ध शाह प्रसंग वर्णन नाम 21वां अध्याय ये पूरा होया। हुण अगले इतिहास विच पांडवों बारे ये सारा प्रसंग दसणगे कि वो पांडव जिहड़े सी ओ किवें रोए, उन्हां नूं किस तरह रोना पिया। इस वास्ते वड्डे वड्डे जिहड़े आए है इन्हां रोना पिया। दोहरा अध्याय 24वां पांडवों का प्रसंग है। दोहरा मैखासर मद मर्दनी महा मोद दा शकर जगदम्बा जय जय करी बकर तरे कर चकर। मैखासर नवी दैंत दा अहंकार नाश करन वाली मर्दनी मलन वाली और महामोद दा शकर इंद्र नू बहुत खुशियां देन वाली है। जगदम्बा जय जय करी जगदम्बा माता उस दी जय जय हुंदी है। बकर तरे कर चक्कर और हाथ विच जिहड़ा टेढ़ा चक्कर धारण करन वाली है बैरियां ते जित प्राप्त करन वाली है हैं उहदी सदा जय जय कर रहे हां। श्री बाला संदरवाज भाई बाला जी कह रहे हैं 24। अब सुन पांडव कीर कहानी, हुण पांडवों की कहानी सुन लो। जिन टेक रहत गृह गुणखाने जिन्हों के टेक कोल गुणा की खान कृष्ण रहिंदे सी। सर्व दिशा जीती एक बारी सारी दिशा एक बारी जित ली। अराज सूए मख किनू भारी अराज सूए मख जग बड़े भारी किते। अमृत पदार्थ घर में आए बहुत पदार्थ घर जा गए। साबिद के निरपायल पाए लगाए सारी देशां दे जड़े राजे सी चरनी लाल है। दुर्योधन के टेगे काला दुर्योधन को एक बरी गए गए तहाँ जाए हैं सभा बसाला। उत्थे गए जिथे बड़ी सभा सी बैठ जूप तन संग मचावा। उन्होंने बह के जूप जूहा मचावा खेलिया। प्रथम गलाह दर्व कोलावा पहला दा जड़ा सी हाँ जी वो धन दा लाया। बौर मतंग तरंग हराए फिर बौर पुना हाथी घोड़े जड़े सी वो भी हार गए। सिंधन भोखन ग्राम लगाए रात गहने ग्राम लाते दाते। नगर दे सगरो जित बावा सारा देश नगर हार गए। बिपन जावन पुन ठहरावा फिर जंगल जाना ठहरा। दो दुखदा जब ही दिया हारी फिर द्रोपद राजी की पुत्री द्रोपदी विदा च हारती। मंदमती हर खे और भारी को मंदमती दुर्योधन बड़ा खुश होया। और रित जुत हुती केस गह अन्नी फे केसों तो फड़ के उसनू सभा विच लै आउंदा जिहड़ी कि उस वेले अपने रितु दे सहत सी। किनों शोराबन की ना विखानी किसे ने छड़ाउण दी गल ना कही। उस वेले नू ब्लीडिंग वगैरा सी ठंडी करके सभा मंजारी सभा जी खड़ी करके कहन लगे दो चीरे तारे सारे कपड़े उतार दे। लगे उतारन रह गए हारी उदे कपड़े उतार दे रहे ते उतार दे हार गए क्योंकि भगवान ने उदी लाज रखी उन्हों बेपड़द ना होन दता। लखे ना सारी की जन नारी जी हुण साड़ी मुकदी नहीं इउं लगदा कि वो जिवें साड़ी दी बनी हुंदी है। सभा विखे अंबर अंबारू सभा च कपड़िया के ढेर लग गए। लगे महान पाया तो पारू इन्ने ढेर लग गए पारावर नहीं पाया जाता। दूजी दिशा के नारन दसाई एडा उच्चा ढेर हो गया दूजे पास पुरश दिखाई नहीं देंदे। आस रख्या कि नहीं जग रसाई जग दे मालक ने ऐसी रख्या की थी। बहरो गम ने बिघन मजारा फिर जंगल चल गया रहे तहां सह कष्ट पारा।
ਕਿ ਬਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਆਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਤਾਏ 12 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਤਰੋਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, 13 ਸਾਲ ਲੋਕੇ ਦੁਰਯੋ ਨੇ ਲੋਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਬਰਾਟ ਮੰਦਰ ਅਪਨੀਪਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਅਪਨੀਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਟ ਰਾਜ ਦਾ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਵਨੀਪ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮਜ ਚੌਪੜ ਕੇਰ ਖਿਡਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਪੜ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਕ ਨਾਮ ਆਪਣੋ ਤਰਵਾਵਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੰਕ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਭੀਮ ਰਸੋਈਆ ਬਲਬ ਨਾਮੂ ਭੀਮ ਰਸੋਈਆ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰਤ ਕੀਨ ਸਭ ਕੰਮ। ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤਰ ਬਾਹਰ ਸਭੀ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇ ਹੰਡੜਾ ਅਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੰਡੜਾ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਉਤਰਾ ਹੋਤੀ ਬਰਾਟ ਕੁਮਾਰੀ ਉਤਰਾ ਜੀ ਬਰਾਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਿਖਾਵਨ ਉੱਤੇ ਹੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ ਪਾਲ ਕੋ ਬੇਖ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਾਜ ਪਾਲ ਸੀਸ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋ ਨੁਕਲ ਨਿਰਪ ਕੇ ਢਿੱਗ ਜਾਈ। ਨੁਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ ਪਾਲ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਭਾ ਗੋਪਾਲ ਤਵੈ ਸਹਿਦੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਸਹਿਦੇਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਦੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਲੱਖ ਪੇਵਾ ਲੋਕੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗੋਪਾਲ ਗਊਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਦੁਰਸੁਤਾ ਹੋਏ ਸਿੰਦਰੀ ਨਿਰਪਤ ਨਾਰ ਢਿੱਗ ਜਾਏ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿੰਦਰੀ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਪਰ ਜੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤਨ ਰੁਚਰ ਸੁਹਾਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੌਪੇ ਨਾਗਨ ਸਮ ਲਟਕੀ ਲਟ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀਆਂ ਨਾਗਨ ਸਪਨੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਨ ਜਟਾਂ ਲਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਦਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਗਟੀ ਜੁੱਤ ਬਾਂਕੀ ਔਰ ਤੀਰਕ ਮਨ ਵਾਂਗ ਟੇਢੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਵੱਟੇ ਸੀ। ਕੁੰਦਰ ਅਦਨ ਬਦਨ ਸਸੀ ਰਾਂਕਾਂ ਮਾਰਤਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖੜਾ ਰਾਂਕਾਂ ਸਸੀ ਚੰਦਰ ਪੂਰਨਮਸੀ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ। ਉੱਤਰ ਉਦਰ ਸਤਰ ਭਵਲ ਮਨੋਹਰ ਜਾਂਕਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਰਤ ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੇ ਦੁੱਤ ਦੇਖੀ ਕਾਮਦੇ ਦੀ ਰੱਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਸ਼ਣ ਮਨ ਕਟਾਸ਼ ਵਿਛੇਖੀ। ਫੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਝ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਰੱਤੀ ਔਰ ਤੀਸ਼ਣ ਬਾਣ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਕ ਟੇਢਾ ਦੇਖਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਚਾ ਬਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਗਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸੀ। ਸਭ ਜੱਗ ਜੀਤ ਉਲਟ ਜਨ ਡਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਪ ਸਿਖਾ ਸੀ ਕੋਕਲ ਵੈਨੀ ਦੀਪ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਔਰ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਗਜ ਗਮਨ ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ਾਵਕ ਨੈਨੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ਾਵਕ ਨੈਨੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਹਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ਾਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਕ ਬੱਚਾ ਹਰਨ ਦਾ ਜਮਨ ਭਰਮਨੀ ਲਾਭ ਗੰਭੀਰਾ ਔਰ ਜਮਨ ਜਮਨਾ ਦੀ ਭਰਮਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਨਖਨ ਵਲੋਗ ਤਲਾਜ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੁਚਰਤਾ ਮਨੋਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਧੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਸਵਰਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ
उची उठ रही अग्नि दी लाट है। चिबक श्यामता राह जन तुरियो ससी में आए, और चिबक ठोडी बिच जड़ी काली बिंदी इस प्रकार लग रही है। मन में चंद्रमा नू आकर चंद्रमा चाके राहु छुपया होवे, ससी मैंने चंद्रमा दुर्यो मैंने छिपया जड़ी उदे कालक है। चौपे जे आगे दासी बहुत जेदे के बहुत दासियां सन सेवै कर बंदे मुख जो जोवत उते उदे मुखड़ी उन देख के हाथ जोड़ के सेवा करनियां सी। सो बराट ने की राजधानी, वो बराट की राजधानी बन संदरी पेख दुरानी संदरी दासी बन के हाँ जी उत्थे रह रही है द्रौपदी। परमेश्वर तो डरना चाहिए, समा पता नहीं केड़ी केड़ी चाल चलदा, बड़िया लोगों भी किस तरह मजदूरियां करनिया पैंदियां। रह द्रौपदी बैनों चारे इत्थे रहिंदे, द्रौपदी ने बचन कहे गंधर्व मोहे पंच रखवारे, मेरी रखिया लई पंज गंधर्व रहिंदे हन। काम दृष्ट मुको जो देखे, जिहड़ा मैनू भैड़ी दृष्टि ने देखेगा मेरे तो कर सो बलि विशे क्यो बलि विशे उन्हों मार देंगे। सबन सुनाए दीन असबाणी, सारे ने यह गल सुनाती सेव करन राणी की ठाणी, राणी की सेवा करनी धारी कितक देख जब रहत बताए। इस तरह इन्हें कुछ दिन बीतते छपे रहे कि न जान ना पाए, छपे रहे किसी नूं पता नहीं लग्या जान नहीं सकया कोई। उतो भरा तक राणी केरा राणी रख भरा सी करीजक आखे बलि वडेरा, करीचक नूं कहिंदे सी बड़ा बली सी। चाहे सुभाए सो साठ गावा, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾ ਭੈਣ ਕੋ ਆਇਆ। ਦਰੁਪ ਸੁਤਾ ਕੋ ਪਿਖ ਬਰਮਾਵਾ, ਦਰੋਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦਰੋਪਦੀ ਨੇ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਦਸ ਸੰਸਰ ਗਜ ਬਲ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਜੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧ ਬੋਧ ਨਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਖੇ ਬਲੋਚਨ ਜਬ ਰਤਨਾਰੇ, ਜਦ ਦਰੋਪਦੀ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਦੇਖੇ। ਮਨੁ ਸਪੱਟ ਕਿਨਵਾਨ ਪਰਹਾਰੇ, ਮਨੁ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਠ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਸਪੱਟ ਸੂਰਮਾ ਮਦਨ ਉਦਤ ਹੈ ਮਗਨਾ ਤੀਰੂ, ਬਕਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਧੀਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਬਵੇਕੇ ਤੀਰੂ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਇਲ ਜਿਉਂ ਤੇਸ਼ਨ ਤੜਫਾਵਾ, ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਤੜਫਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਮ ਮਾਤਰ ਹੈ ਵਜਨ ਲਾਵਾ, ਬਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਸੀ ਤੂੰ ਲਗਦ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮਿਲਿਓਨ ਮੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗਾਰੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਬਦਨ ਬਲੋਕੇ ਮਦਨ ਮਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਕਾਰ ਜੋਗੀ ਉਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲ ਕਰ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਹੇ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾੜਾ ਬਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਦਰੁਪ ਸੁਤਾ ਸੁਣ ਕਹਿਤ ਵੀ ਗੰਧਰਵ ਮਮਰ ਖੁਆ, ਹਾਂਜੀ ਦਰੁਪਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਧਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਕੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਸੇ ਤੋਰ ਸੰਘਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੌਪੇ ਮਦਨ ਮਦ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਨ, ਉਹ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਦੌੜਿਓ ਗਹਿਣ ਪਾਨ ਮੈਂ ਪੰਨ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੱਤ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਕਰੇ ਤਰਾਸ ਧਾਈ ਸਸ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਦੌੜੀ, ਰਾਹੂ ਭੀਤ ਬਾਸਵ ਟਿਕ ਤੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੂ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਦੌੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹੂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਸਵਾ ਲਗਾਈ, ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲਾਈ ਉੱਚ ਪਕਾਰ ਦੌੜਤਾਈ, ਉੱਚੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਧਰਮ ਭੀਮ ਨੁਗਲ ਸਹਿਦੇਵਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਭੀਮ ਨੁਗਲ ਸਹਿਦੇਵ ਬੈਠੇ ਕਰੇ ਨਿਰਪੇਖ ਸੇਵਾ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਰਸੁਦਾ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਦਰੋਪਦੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਗਈ ਭੁਪਟੇ ਦੁਖਤ ਪਕਾਰ ਰਾਜ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗਈ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਦੋ ਲੋਚਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਰਨ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋ ਮੋਚਨ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੋਰਾ ਕੀ ਜਗਦਾ ਉਹ ਸੰਗ ਤੇ ਫਕਰੀ ਸਮਝਾ ਕਰੀ ਜਗ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਸਭਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਬਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਰਪਤ ਨੇ ਕੀ ਹਟਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ। ਚੌਵੇ ਕੁੰਜਰ ਲਤਾ ਕਰ ਖਜੂਲੀਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਬੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਖ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਤ ਬ੍ਰਹਣ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਭੀਮ ਬਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸੁਰ ਭਰਾਂ ਹੈਂ ਕ੍ਰੋਧਾ ਭਰਿਆ ਭੀਮ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਬਲੋਚ ਨਾਨਨ ਕਰਾਂ ਲਾਲ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ। ਕਰਨ ਮੈਂ ਲਾਲ ਧਰਮਜ ਬਰਜੋ ਨਿਨ ਸੈਨਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਡਰ ਬੋਲ ਨਾ ਬਹਿਨਾ ਪਿਆਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਂਬਲੀ ਬੈਠੇ ਪਦ ਪਾਸੂ ਮਹਾਂਬਲੀ ਪਦੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਤੇ ਗਏ ਲੈ ਚੱਲਾ ਬਸ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰੋਏ ਪਾਂਡਵ ਮਿਲਤੇ ਥਾਂ ਪਾਂਡਵ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਏ ਹੋਣ ਹਾਰ ਨੇ ਟਲੀ ਟਲਾਈ ਇਹ ਹੋਣ ਹਾਰ ਟਾਲਿਆਂ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਧਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਨਮਾਹੇ ਬਹੁਤ ਮੰਜ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਹੇ ਕਬ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਨ ਰਹੋ ਪੂਰਨ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ। ਦਰੁਵ ਸੁਤਾ ਦੁਖਾਤਰੀ ਕਹਿਤ ਨਿਰਭਰ ਕੇ ਪਾਸ ਦਰੁਵਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਚੌਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਭੂਤਾ ਤੂੰ ਬੜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈੜਿਕ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਖੀ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਰ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਕੁਕਰਮੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਬਾਮੀ ਹੈਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਤਵਾਰੋ ਤੂੰ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਕਰ ਤਨਵਾਰੋ ਤੈਨੂੰ ਤਰਕਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਚਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭਾ ਵੇਖੇ ਵੈਸੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਛੀਨ ਭਾਇਓ ਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁ ਕਬੋਲ ਬੋਲਤੀ ਹੀ ਬੇਬਲ ਬਹੁਤ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਚਲਿਓ ਐਂ ਛਲੇ ਬਲ ਕਰ ਨਿਜ ਥਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਬਦੇਹਨ ਤੇ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟਣ ਹੇਤ ਨੇ ਯਕੀਨ ਪਾਏ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਵਾਹ ਕੀਤੇ ਅਰਧਪੰਥ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਵਿਆਈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਰਾ ਚਾਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੇਰਾ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਹੋ ਤਬ ਤੁਮ ਆਏ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹਨੇਰਾ ਤਿੰਨ ਵਾਕ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤਈਆ ਮੇ ਮੋਕੋ ਦਿਵਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਬਿਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਚੌਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰ ਖਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸੁਬਨ ਦੇ ਬਚਨ ਖਾਨੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਗਿਆ ਨਿਸਾ ਹੋਤ ਸੁਨੀ ਚਟ ਸਾਰੂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਮਿਲ ਮੋਹੇ ਸੰਗਾਰੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਜਾਮਨ ਕੋ ਨਾ ਤੁਮ ਆਈ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਭੋਰ ਪਈ ਤੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ। ਚੂੜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਰਗੀ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਇਆ ਗਮ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਤਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਥਰੇ ਬਾਰ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਸੀ ਘਿਰਿਓ ਤਮੀ ਪੱਤ ਡੰਮ ਨੇ ਮਨੋ ਮਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੇਰਿਓ ਤਮੀ ਪੱਤ ਹਾਂਜੀ ਤਮੀ ਪੱਤ ਮੈਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਤਮ ਨੇ ਮਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੈਂ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਐਵੇਂ ਘਿਰਿਆ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਅਦਰ ਸਿਥਲ ਸਵੰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅਦਰ ਮੈਨ ਬੁੱਲ ਸਿਥਲ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਘੇਰਿਓ ਤਮੀ ਪਤ ਡਰ
फिरियो तमी पत तमी पत तम ने मनु वो जिमें तमी पत हनेरे दा पति तम ने मनु मनु चंद्रमा हनेरे ने भाव शेरे नू बाला ने घेरिया होया सूके अदर शिथिल सवंगा सारे अंग शिथिल हो गया लवट धूल तन भयो करंगा और धूड़ दे नाल ओहो लपट लिबड़े हुए और शरीर जड़ा बेरंगा हो गया दोहरा भू भूठा सब सभा सू होत पई जगरैन जब रात पै गई राजा सभा च उठ के चला गया और बसूर पांडव गए जह जह तिन के हैं जिथे पांडवों के घर से चल गया मन च बड़ा झूर दे जो पई भोजन करन होती जे थाएं भोजन करने की जड़ी जगह सी बैठो पीम तां पछताई बैठा पीम पछता रहा होए तिमर द्रुपति आई हनेरा हो द्रुपति आई रोए भीम के घर लुटाई रोंदी भीम दे गल ला के रो रही चंबड़ गई तार बिरख जो लता सु लागी जिमें ताड़ दे बृक्षन बल बेल लगती है दाता बेल रोवत जन तोव दुख लागी इस तरह रोंदी मनु दुखां दे दागां नू जिमें धोंदी होए मुक्त बाग ना जाए बखन मुँह तो बच नहीं कहा जाता गद गिरा परम डरमन और जड़ी आवाज सी वो गला भरन करके रुक दी सी ते बहुत डर मनिया तर तीरेज पुन बहनों चारे तीरे तर के बजन गए पांचों पातों मेरा पांच मेरी रखे वाले महान सूरमे महान सूरत बली धनधर महान सूरम धन शुनतर अर्जुन तुम होत सत टारत बल कर तुहाड़ी तह ताकत दे होंदे हैं करीच के जड़ा सी मेरा सत धर्म नाश करना चाहता सी दोहरा कहाँ मिलन संकेत को जो न जाऊं ते पास मैनू हाँ जी उसने पाठशाला चाने लिये कहा है जो वो को ना जावा भोर पे ले जावे गह कर अपना वास सवेरा होंदे मैनू अपने घर पकड़ के लै जाएगा सोई जा शीतल श्वास भरे कह बैन बलोचन ते जल न ठहराई ये कह के ठंडे होके भरे अखों जथरू जड़े है रुक नहीं रहे हैं चिंत बड़ी सरता में बूढ़ और पाप करार को ने पाई चिंता दी नदी डुब रही है कोई अपाप किनारा नहीं पा रही भीम कह उन्हें जागो और मैं और धीर दे सब पीर मुटाई भीम कहने लगा तुम मंज धीरे कर अपनी है जड़ी रहायश वाली जगह चले जा तेरी सारी पीरा मिटावगा जैन संगीत करा तो इसने सब रीत सूं बोहे कुंद्यों बताई जिथे मिलन का क्रीचक ने तेन संकेत इशारा दिता उस बारे मैनू चंगी तरह समझा के दस देना कर द्रौपदी बहन पने बात सों चढ़सार विखे मोताए बुलाई द्रौपदी ने अपने मैं भीमसेन कहा मैनू हुण पाठशाला विच बुलाया है तां समझाए पली बिद सों निज बाण विखे चल थान विखे चल के पुने आई फिर भीम नू चंगी तरह समझा करके अपने स्थान ते चल के आ गई भोजन खाया गाय के भीम चला है तो मारन के थाएं भोजन पानी छा के क्रीज न मारन लिये उतों चल पिया उस जगह क्रीज की बिरथा सुनी दिन बीतत नाहे रह उकलाई क्रीचक की कहानी सुन लो ऊन दिन बतीत नहीं हुंदा बड़ा व्याकुल हो रहा है क्वित चित वह चित मिलै कब अंग करो मन भयो कब दिवस बता बिहाए हैं चेत ये तरह सोच विचार कदों मिलांगा मन पौंदी गल कदों होएगी हाँ जी ते अंग संग करो उन्हों में अंग संग करा कद ये दिन जेड़ा बतीत होएगा मीन समता थिन काम को पीड़ित हथ बुको सुख दैनी कब दर्श दिखाए हैं फिर मछी मंग तड़फ रहा बकारना बड़ा दुखी हो रहा सोच रहा
कि मैनू सुख देने वाले कदों अपना मुखड़ा दिखाएगी। चैन ना परत यत उत हूं को विचरत ब्यो के ब्योग ते तपत मनु अब जर जाए है। हूँ इस वास्ते इधर तुरिया फिरदा बजोग दे विच इस तरह बड़ा तपाए मन हो रहा, इस तरह जाणो कि वह सड़बल जाएगा। ऐसी गत पाई मत चित विसर गई, होवत पर दोख के सो उठ्यो रखाए है। इस तरह की उहदी दशा बन गई। हाँ जी, तो मत जड़ी है बुद्धि वह भुल गई है। जदों हनेरा होया तो फिर परदोख के रात होवत परदोख रात दे हुंदिया सो उठ्यो रखाएगा। फिर बड़ा प्रसन्न होकर उठ्या भी हुण हनेरा हो गया है। पादे संग चटिया ले गए ने जताम जब आए के प्रसंग सेत सेज को डसायो है। जदों जिहड़ी पाठशाला सी वो जिहड़े पादे पढ़ाउण वाले सी अपने समान हुण चा के घर नूं चले गए। उत्थे फिर उसने जा के एक बड़ा सुंदर पलंग उत्ते सफेद सेजा बिछाई है। पलंग डाया सफेद वस्त्र बिछाए है। अतर सुगंध अंग अंग में लगाए कर बैठो तब आए ध्यान तह दिश लायो। अतर सुगंधी अंग अंग ला ले ते ध्यान बह गया उस दिशा नेत्र लाए हुए। फूल माल गले डार रखे है सवार और सुंदर समाज कर दे लिशकायो है। फिर फूलों की माला गल च पाई है कोई फुल सवार के होर भी कोल रख रुख लाए तो सिर नू बड़ा सुंदर लिशकाया होया। लाई बहुत देर कह दो मत गई फेर बैठो चुक चुक फेर बड़े महा तम छायो है। फिर की रेदा भी देर क्यों लाई है नी और कितने चले गई। बैठ के चुक चुक देख रहा बहुत हनेरा छा गया तम मैंने हनेरा सोई है। भीम जब गयो पग खरका सुन तो पायो जानी सुख जानी जब मेरे ले गई। जो भीम चल गया पैरों का खड़का सुनिया कहना सुख देने लिए मेरे को आ गई है। हृदय हरखाए ने अंग में नमाए अब करूँ काम केल मिल पई मन पाई है। बड़ा खुश होया अंगा ही समाउंदा नहीं कहिंदा हुण वकार भोगांगा ऐसा मन विच पाया है। गए समीप हाथ गया ने चलायो हाथ तां को गली नूं खिंच रहे हो न छराई है। जदों नेड़े गया पकड़ लई हाथ चलाया हाँ जी तां को फिर पड़ लिया खिंच रहा तो छड़ाया नहीं जाता। उठो जा बठांडा पायो कौरी बीच गए हो लो सूर पहचान लगे हूँ जी करन लगाई है। फिर उठ्या तो खड़ा होया तो जफ्फी बिच हाँ जी गए हो लो पकड़िया गया सूर पहचान लगो करन लगाई। फिर जान लिया तो कोई सूरमा है जफ्फी पा के फड़ लिया कोई सूरमा पहचानिया। हाँ फिर लड़ाई होने लग पई मुठ प्रहार करे लगे करे हार मन कड़ तो लोहार जामे बल है समान को। फिर मुठ मोकियां दे वार कर दे जिमें लोहा करना लोहार मनो लोहा कड़ रहा दोहां दा बल जड़ा जी वो बराबर समान लग रहा। कह दूंगा जो दो सिंगन सरदूल सो रेदे क्रोध बह हो ने पाए को हन को। इस तरह जाणो जिमें दो हाथी लड़ रहे हैं या शेर पेड़ रह दो हिरदे बड़ा हांजी क्रोध आया होया हांजी कोई भी अपनी हार मनन वास्ते तैयार नहीं। लगते चपेट पई पिड़ने की भेट लख सुपट सहेट मन करै अवमान को। ये पिड़न दियाँ ये पेट आया सूरमे कट्ठे हो गए बड़ा हंकार कर दे एक दूए नूं लत्तां मार रहे है सुपट सूरमे हांजी पेट लख एक दूए नूं मिलन विच जाण के सहेट मन करे अवमान को। फिर एक दूए नूं उह हांजी अपनी लत्तां मार रहे है हंकार दूर करन लई। लत्त नूं को मारे बहु बचन वचारे ने दुरई लड़त है मरूरत है पाउण को। फिर वो जड़े सूरमे आ मनण लई तैयार ने लगता चपेट पई पिणने की भेट लग चपेड़ां बज रही हैं पिड़न दियाँ पटामा सूरमे कट्ठे हो गए बड़ा हंकार करते। लत्त नूं को मारे मुख बचन वचारे ने
लता मारदे है मुँह तो वजन बोलते नहीं, दुराई लड़त है बरोड़त है पानू को छुपे हुए लड़ रहे है ते हथा मरोड़ रहे है। सोईया जाम सुग्राम पै जा वही पग सो अटका के भीम करायो। जो पैर रात लड़ाई हों पैर भर लड़ाई होंगी रही भीम ने लाता दा लत पसा के उन थले सुट लिया अटकाए के अड़ेका दे के क्रिचक उपर त चढ़ गया बहुत गोडन मार के भूम करायो। क्रिचक के उपर चढ़ के छाती से बह गया गोडे मार मार भूम धरती से सट लिया। दाऊ बचाए उबै पग भीम ने तां छतिया पर हार लगायो। फिर उसने भीम ने पैर अपने चुके उदी छाती से रख के बार किया है प्रहार। चोट लगे न संभाल रहे ही गिरगा जन पौने रूह गरायो। बस फिर सट ऐसी मारी संभाल नहीं सके डिग पिया जिमें हनेरी ने बहुत व्डा पौने रूह गरायो। दरख्त गिरा दिता हो भीम चढ़ा से उपर क्रोध के हाथ गए उसो मरोर का डारा। भीम क्रोध चाक उसकी छाती चढ़ गया हाथ फड़ के मरोड़ दिता। हीन पयो बल देखता है पुज दूसर जो और ते सो अखारा। फिर जो बल तो हीणा हो गया भीम ने उसकी दूजी बंब फड़ी उन्हू छाती तो उखाड़ दिता। मुंड मरोड़ लै उपन ताए को दीन टकाए सो छाती मंजाना। फिर उसका सिर मरोड़ के ते छाती दे टका दिता। हा दो पग तोर बलीबत पेट में जाके किन्नी के सवार दोवें हाथ चंगी तरह तोड़ मरोड़ के ढिड में चंगी तरह सवार के रख दते। दोहरा कर कुलाल के चाक सन जो शतीर चट सार ते को सिरों उठाए सिरे उठाए के दीन तसाए मजार। फिर वोड़ी पाठशाला थी उदे कमार दे चक बंग उदे शरीर में गोल मोल जा करता। उदे सिर भी चुक के जिहड़ी लाज सी उदे विच उन तसा दिता उदे विच पसा दिता। तो जे चार घड़ी जब रहन रही तां भीम गए अपने घर माही। फिर जो चार घड़ी रात रही भीम अपने घर चल गया। देव पै शरम सोए रहे पुर बीच लखी कनू सोधना ही जो उदा शरीर श्रम मैंने थक थो गया सौ गया। फिर नगर विच किसी ने इस गल की खबर नहीं जानी। पुर पे सब लोग उठे पे करीच पाए न तम जहा ही सवेरा लोग उठे ते करीचक नू अपने घर विच ना देखिया पाया। होए हृदय बिस्में सभी तब खोजन गिन भली वे ता ही सारे हैरान हो गए। चंगी तरह उहदी ढूंढ भाल हो गई। रौर भरा सगरे पुर मैंने करीचक पावत है कि था सारी नगर रौला पै गया कि करीचक किसी जगह नहीं मिलिया। देखो तब चट सार मजार कुलाल के चाक समान बनाई। जो जाके पाठशाला देखिया कुमार दे चक मंग वह बनया पिया गोल मोल किया होया। उन्होंने देख पछाण दे सिर तोर सो पेट के मैं टकाई। फिर अखा नाक की देखते वह सिर असी तोड़ मरोड़ के ढिड दे विच रख्या। हाथ ना पंब ना पावत है बिस्माद पै सब जाने न जाई ना कहते हाथ पै रहा। सारे हैरान ये जान नहीं सके किमें होया। कौने हथ्य हो जाए उतो बलियत आज उद को छत लग इनू को इनू किन मारिया ये बड़ा बल वाला इनू कोई शास्त्र का जख्म ही नहीं लग्या होया। फिर विचार कि सब ने कही सेंदरी बाणी भई सही सो। फिर सारे ने विचार की फिर दासी की कई गल सची हो गई। गंधर्वां को हुतुर अखबार अवग्या बलोक है मार देव। गंधर्व कहते वे राखे है यदी बेजती देख के गंधर्व ने इनू मार दिता। जोध लग लरै तां लगे आंगा जोध ऐसे बनाए कहे मिल दो सो। कहते जे लड़ना शरीर से शास्त्रां ना जख्म लंघने सी जी इस तरह उन्होंने गंधर्वा ने इनू बनाया है मिल के। दोहरा भरा तो दे छाताएं को करें बरलाप मत पकार। ये सौ भरा सिमड़ा बरलाप कर रहे हैं भूख जोत शिंगार खै पीटत कर मुख नार। गहने शिंगार ला के उदिया जड़ियाँ
ਤੀਵੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਚੌਪੀ ਸ਼ੋਰ ਭਰਾ ਸਾਗਰੇ ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਏ ਊਚ ਅਰਨੀ ਚੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਊਚ ਨੇ ਜਾਗਿਆ ਸੋ ਸਭ ਲੋਕ ਚਗਰਤ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁਣ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਹੈ ਰੋਈ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਨਿਰਪਰੋ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਖਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਭਇਓ ਨਾਰ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ਇਹ ਸਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਬਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ਟ ਕੇ ਕੁਮਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਜਕ ਭਰਾ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋ ਜਾਰ ਗਏ ਇਸਾ ਥਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕਰ ਗਏ ਦਰੋਪਦੀ ਹੱਥ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰੋਪਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਬੈਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਚਿਹਾ ਬਣਾਈ ਨਗਰ ਦੁਆਰ ਚਿਹਾ ਬਣਾਈ ਬਹੁ ਨਰ ਤੇ ਹਕੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਮਨੇ ਲੋਕ ਲੀਏ ਅਤੇ ਸਾਥਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਝੀਨ ਜੀਰ ਮੈਂ ਝਲਕਿਆ ਦੇਹੀ ਬਰੀਕ ਬਾਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾਮਾ ਦਰਪਣ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਨਾਵਰ ਮਾਵਲ ਉਪਮਾ ਭਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਉਪਮਾ ਸੀ ਮਨੋ ਮੇਰ ਪਰ ਜਮਨਾ ਵਾਰੀ ਮਨੋ ਸੁਮੇਰ ਤੋਂ ਜਮਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਬਾਰੀ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਭਰਾ ਦੇਹੋ ਛੁੜਵਾਈ ਹੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕ੍ਰੀਚ ਮਰਨ ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਬਿਲ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਨਾ ਨਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਪੈ ਦਰੋਪਦੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਦਰੋਪਦੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਗਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਈ ਰੱਖੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਦਨ ਕਰਦੇ ਨੈਣ 'ਚ ਲਗਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨੈਣਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਮਨੋ ਮੀਨ ਦੁਆ ਜਲ ਕਿ ਮਾਹੀ ਐਂ ਮਨੋ ਜਲ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਅਦਰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਤ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕੇ ਆ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਧਰੇ ਕੇਸ ਤਰਾਸ ਪਾਉ ਕੇਸ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਡਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੁਧਨ ਸੰਭਾਰਨ ਸੀਸ ਪਿਛੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗਮਨੇ ਸਰਬ ਭੀਮ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਭੀਮ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਵਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਉੱਠੋ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਦੇਖ ਮਚਾਲੀ ਗੋਗਲਾਵਾ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੇ ਬਦਨ ਕਮਲ ਕਮਲਾਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕਮਲਾ ਮੁੱਖ ਕਮਲਾਇਆ ਸੀ ਨੈਣ ਸੈਨ ਦੀਨੀ ਸਮਝਾਈ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਬ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਦਰੋਪਦੀ ਧੀਰੇ ਤੁਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਤਾਰਿਆ ਬੈਤ ਨਦੀ ਜਨ ਹੱਥ ਪਕੜਿਓ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿਤਾ ਹੁਦੀ ਜੈ ਗਮਨੇ ਸਭੀ ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਵੱਡੋ ਬਰਿੰਦ ਪਾ ਲੋਕਨ ਤਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਰ ਵੇਖ ਘੁਟਾਲੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋਟ ਮਾਰ ਕਰ ਛਾਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਗਏ ਵਸਾਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਿਰਖੇ ਖਾਦ ਉਖਾਰਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਖਾੜ ਲਿਆ ਕਰੋਧ ਧਾਰ ਮੁਰਿਓ ਬੋਰੀ ਕਰੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਇਓ ਤੁਰਦ ਹੋਤੇ ਜੇ ਠੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਦਾਰਨ ਵੇਖ ਅਰਨ ਕੇ ਮਾਰਨ ਬਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਚਾਲੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਵਰਨ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਲੀ ਦਰੋਪਦੀ ਜਾਏ ਸਮੀਪੰਗ ਦੀਨ ਦਿਖਾਈ ਨੇੜੇ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਦਰੋਪਦੀ ਉੱਚੀ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਦਰੋਪਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਗੰਧਰਵ ਜੋ ਮੇਰੋ ਰਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਰਵ ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੋ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਮਲੇ ਹੋ ਨਿਹਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਭਾ ਜਾਓ ਮੁਝ ਕੋ ਦਿਓ ਛੋਰੀ ਭੱਜ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਰ ਹਨੇ ਸਭ ਨੇ ਠੌਰੀ
नहीं तो सारे इस जगह मार देगा। सुन बाणी को देखने लग गए, उदी बाणी हूँ देखने लग गए, दारण वेख लख सब भागे, उदा भयंकर रूप देख के दौड़े। कौन है कहूँ संग बुलाए, कोई किसी नेड़े नहीं बुला, चाह तो अपने प्राण बचा अपने प्राण बचाना चाहते हैं। तायो भीम सैन रिस पारी, भीम सिंह गुस्से जा के अगे आया, घेरे सभी जाए अगर सानू अगे आके घेर लिया। सहस भरात कुछ पटन समेता, उदे सौ भरात कोई सूरमिया समेत, तब सानू गाए रण खेता, रण खेत सामने आ गए। हथियारन के कर भरा, हथियारों की बार कर दे, मारो मारो सोनू कर, मार लो सारे कह रहे। अरे सो साल लाल करने न क्रोध लाल अखा करके, मार बिरख पठे सब इन्ना, इस तरह कहते मार मार के भीम सिंह ने तने दे नाल जम दे घर भेजते। करीज परात सर्ब तो मारे, करीज सारे भार मारते, कुछ सपाट को दीन संघारे, कोई सूरमे भी मारते, बरो गए हजार मंजारा, फिर अजाड़ चल गया। अपनों बेग सर्ब तन धारा, अपना पहला स्वरूप भेख धार लिया। दहन गए एक रीज खेता, एक रीज गुंदी साड़न वास्ते गए सी, जरे तहाँ छत भरा समेत सौ भरावान साथ सड़ गया। इस प्रकार यह तो प्रसंगा, इस तरह का प्रसंग है। स्रोता सुनो हृदय सुमंगा, बड़े उत्साह स्रोते हो सुनो, होते सम्राट सरबिद से जई, जेड़े सारी मेदे ने सम्राट सी गए कूच कर रहे हो न कोई, वो कूच करके चले गए। सारिया होते सम्राट सरबिद जोई, सारिया विधिया ने सम्राट सी वो भी कूच करके चले, इतने रहा कोई नहीं। जिन्हों को ज्ञान पै और माही, जिन्हें सिर दे ज्ञान है, सदा सुखी तिनके दुख नाही, वो सदा सुखी है, उन्होंने कोई दुख नहीं। बाकी अग्ञानी तो सदा ही दुखों के दुखी रेंदे है। इस वास्ते ये दृष्टांत दे के महाराज ने समझाया कि ज्ञान तो बिना उनकी कोई भी सुखी नहीं, अग्ञानी भावें किन्ने माया पदार्थ हूँ फिर भी दुखी है। इत श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध दे पांडवन प्रसंग वर्णन नाम 24वां अध्याय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।